कानपुर बर्रा थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी एफआईआर का हवाला देते हुए जमकर हंगामा काटा। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने एक तरफा कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की है। दरअसल जोरौली फेज 2 निवासी शशांक द्विवेदी भाजपा कार्यकर्ता शोभित दीक्षित से झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई थी, लेकिन थाने में बैठकर समझौता भी कर लिया गया था। आरोप है कि इसके बाद 5 जून को फिर से शोभित दीक्षित, करण दीक्षित, रवि प्रकाश पांडे और अनुज पांडे के साथ शशांक द्विवेदी को जमकर पीटा। मेडिकल के आधार पर, सफाई की तहरीर के आधार पर धारा 325 और मारपीट की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं इस बात से नाराज भाजपा नेता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के करीब राकेश तिवारी समेत 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच एसपी नमस्ते को सौंपी गई है। वीडियो के बारे में होने के बाद कानपुर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने सुनिश्चित करते हुए कहा कि थाने में किया गया व्यवहार काफी निंदनीय है। वहीं सीसीटीवी फुटेज जारी है, इन सभा की जांच की जाएगी, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। पांच तारीख को थाना बर्रा क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना हुई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आज थाने पर आकर अपना विरोध शुरू किया। उनका कहना है कि थाना बर्रा पुलिस के द्वारा ठीक से कार्रवाई उस घटना पर नहीं की गई और एक तरफा कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जाँच एसीपी नौबस्ता द्वारा की जा रही है एवं स्थानीय लोगों को सही कार्रवाई का आश्वासन देकर थाने से रवाना किया गया है। देखिए, किसी भी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध करना हम एक लोकतंत्र का पार्ट है और अलग अलग थाना क्षेत्र में वो लोग विरोध करते आए हैं। इस पर और भी नजर रखी जा रही है, अगर ऐसे कुछ लोगों का इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो देखा जाएगा। जी, ये बात भी संज्ञान में आई है। सारे थाने के सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी चीजें देखी जा रही है, अगर इस तरह की बात सामने आती है तो आगे क्या करें। ये बात अभी पहली बार सामने आई है तो देखा जाएगा, अगर इस तरह के कोई भी अपराधी अगर होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला हुआ थाने में, किस चीज को लेकर के? एक मिनट, सब लोग शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का 3 बार का महामंत्री राकेश तिवारी हूँ और प्रतिनिधि भी हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का। इस समय उत्तर प्रदेश में जो कानपुर की खासकर पुलिस है, पुलिस क्या कर रही है इस समय, पुलिस एक उन्होंने नया खेल शुरू कर दिया है, एक पार्टी से मुकदमे लिखना पैसे लेकर और दूसरी पार्टी से पैसे लेना मुकदमे हटाकर, तो ये अलग तरह का भ्रष्टाचार कानपुर की पुलिस इस समय कर रही है। मैंने कई थानों में जब इस तरह से फोन किया तो ज़्यादातर भ्रष्टाचार मुझे बर्रा थाने में नजर आया। कई पार्टियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए पैसा लेकर दूसरी पार्टी से, और उसके बाद दूसरी पार्टी से पैसा लिया गया उस मुकदमे को हटाने के लिए। एक तो ये भ्रष्टाचार हो गया। दूसरे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार पर निगाह जमाने के लिए कभी कभार अपने कार्यकर्ताओं का पैरवी करने के लिए जब थाने जाते हैं तो उनको वहां से धुतकार दिया जाता है। आज सुनो तो, उनको धुतकार इसलिए दिया जाता है कि ये कार्यकर्ता दुखी होकर थाने आना बंद कर दे। और इनका जो भ्रष्टाचार है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ इनका साठगांठ है, ऐसे लोग कार्यकर्ताओं का शोषण करते रहे, समाज का शोषण कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। जब मैंने कई बार इस बात को, हमने थानेदार को फोन पर बहुत शालीनता के साथ कहा कि ये आप मामला देख लीजिए, मामला बिल्कुल फर्जी है और इसमें हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ, चूंकि उस कार्यकर्ता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को लड़ाया था तो उसके वो उसमें दोषी था भी नहीं, उस जिस मामले में उसको दोषी करार उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो भी घटना के 2 दिन बाद, और घटना हुई उसके बाद दोनों पक्ष लड़े
और दो पक्ष लड़ने के बाद उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया कि भारत मेरा कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। अब पुलिस आती है दो दिन बाद एक्शन में, उसमें एक मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा लिखकर हमारे जो कार्यकर्ता कहीं भी सीन में नहीं था, हमारे उस झगड़े में कहीं नहीं था, उस कार्यकर्ता को उठाकर उसे मुख्य अभियुक्त बना दिया जाता है। इस बात को जब मैंने माननीय थाना अध्यक्ष जी को बताया कि मैं प्रतिनिधि बोल रहा हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, मुझे पहले से भी जानते हैं, तो इन्होंने मेरी बात सुनी, बोले उसको भेज देना मैं बात सुनूंगा। तो हमने कहा ठीक है आप बात सुन लीजिएगा, जो जायज है वो करिएगा, ठीक है। अगर दो बच्चों में झगड़ा हुआ तो दोनों बच्चों में झगड़ा लिखा जाना चाहिए, ये तो न्याय की बात होती है ना। अगर एक बच्चे ने ज्यादा कुछ ऐसी बात करी है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। हमने तो ये नहीं कहा कि इसी बच्चे का आप लीजिए निर्णय। उन्होंने आज शाम बर्रा थाने में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जो घटना घटी है यह अत्यंत दुखद है। इस पूरे प्रकरण में थाना के ऊपर जो आरोप आए हैं, जो लोगों ने थाना प्रभारी और थाने के ऊपर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों की जांच की जा रही है जिससे कि भविष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। साथ ही थाने के भीतर यदि किन्हीं के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई अमर्यादित आचरण किया गया है उसको भी हम वीडियो फुटेज में देख रहे हैं, थाने में कैमरे लगे हुए हैं और इस विषय में भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का कोई रिकरेंस ना हो।